गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत ने सीएम पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने खुद को सीएम की लाइन में बताया और कहा कि इसे लेकर फैसला पार्टी करेगी। वहीं इंद्रजीत सिंह पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी पलटवार करते नजर आए और कहा कि हुड्डा को सीएम नहीं बनने देंगे। तो उसमें ऐसा भी दिखाया गया कि हम भी तो हैं लाइन में, चीफ मिनिस्टर की लाइन में हम भी तो हैं। हम भी हैं, क्यों नहीं पार्टी फैसला करेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कहा कि 3 लाख वोटों से राज बब्बर को दिखवा दो, हरियाणा में सरकार मैं बनाता हूँ कांग्रेस। देखो हुड्डा साहब तो कोशिश यही करेंगे कि भी मैं आने वाले समय के अंदर चीफ मिनिस्टर बनने जाऊंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर जब बनेंगे ना तब उनको बनने देंगे। तो उसमें सीएम पद की दावेदारी पर राव इंद्रजीत ने यह कहा है कि हम भी हैं लाइन में, सीएम की लाइन में हम भी हैं। राव इंद्रजीत को आपने सुना ये कहते वो नजर आए हैं, पार्टी फैसला करेगी, हालांकि ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। आपको बता दें गुरुग्राम से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत, गुरुग्राम में मजबूत पकड़ रखते हैं राव इंद्रजीत और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा है। और इस बीच सीएम पद की दावेदारी को लेकर एक बार फिर से राव इंद्रजीत के जो भाव हैं, जो बयान हैं, वो सामने आए हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने खुद को सीएम की लाइन में बताया है, हालांकि इससे पहले भी इस तरह की वो बात कह चुके हैं और ये भी कहते नजर आए कि देखिए इसे लेकर फैसला तो आखिरी पार्टी का ही होगा। इस दौरान राव इंद्रजीत जो हैं वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी पलटवार करते नजर आए। रेवाड़ी से संवाददाता संजय कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रेवाड़ी में मीडिया से बात कर रहे थे राव इंद्रजीत सिंह और एक बार फिर से उन्होंने सीएम पद की दावेदारी को लेकर बात कह दी है। दृष्टि बिल्कुल, जो राव इंद्रजीत सिंह है कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात दबी और छुपी हुई है कि वो सीएम के दावेदार होने चाहिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के एक कद्दावर नेता है और दक्षिण हरियाणा की जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं सब पे अपना प्रभाव रखते हैं। तो वो कहते हैं जब नायब सैनी सीएम बन सकते हैं और मनोहर लाल खट्टर सीएम बन सकते हैं तो राव इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह की 45 साल पुरानी राजनीति है। और कल कहीं ना कहीं मीडिया के सामने उन्होंने इस बात को रख भी दिया कि अगर हाईकमान चाहेगा तो वो जरूर सीएम बनेंगे। और वहीं उन्होंने राव दान सिंह के खिलाफ जो धर्मवीर चुनाव लड़ रहे हैं उनके नॉमिनेशन में नहीं जाने के सवाल पर कहा बीजेपी के ही कुछ नेताओं ने उन्हें अवगत नहीं कराया, नॉमिनेशन के बारे में उन्हें नहीं बताया और इस बात को लेकर वो भड़क भी गए थे। और उन्होंने कहा कि हुड्डा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री बनाएगी, तो जनता उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, तो हुड्डा ये ख्वाब लेना छोड़ दे। हालांकि वो ये कहते जरूर नजर आए हैं सीएम पद की दावेदारी को लेकर कि आखिरी फैसला तो पार्टी हाईकमान का ही होगा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो इस चीज को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुके हैं, अपनी उम्मीदें जो उनको हैं वो पहले भी जता चुके हैं। जी सृष्टि, मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि जो दक्षिण हरियाणा है उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अहम योगदान दिया है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की अगर एक सीट को छोड़ दे तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है राव इंद्रजीत सिंह की भागीदारी की बात अगर कहे तो काफी हद तक कही जा सकती है, क्योंकि बिना राव इंद्रजीत सिंह के दक्षिण हरियाणा में भाजपा का वजूद नहीं था। लेकिन उनको लगता था कि जिस तरह से उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान उनको उनकी इस बात को जरूर सुनेगा कि उन्हें भी जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनकी इच्छा पूरी की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो बड़बोलेपन है और जो पार्टी के कई बार वो खिलाफ बोल जाते हैं वो बातें जरूर उनके जो है मुख्यमंत्री बनने में बाधक बन रही है। जी सृष्टि, चले ठीक है, संजय बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।